नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आइए, आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चिली मसाला, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और इसको नाश्ते के रूप में लोग खाना पसंद करते हैं। और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम होता है। और इसके लिए हम सामग्री में ये लेंगे आपका सोयाबीन। सोयाबीन हमने 100 ग्राम लिया हुआ है और इसको हमने निकाल के इसको हमने गर्म पानी में करीब 10 से 15 मिनट इसको हमने हल्का सा बॉयल कर लिया है। और बॉयल करते समय हम इसको हमने इसमें करीब आधा चम्मच नमक डाला था। और जब ये सॉफ्ट होने के बाद इसको हमने बिल्कुल निचोड़ लिया है। और इसमें हम और सामग्रियां हैं हमारी, इसमें हमारा पनीर है। पनीर हमने करीब 50 ग्राम पनीर लिया हुआ, उसको भी छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। और हमारा ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च हमने एक लिया हुआ, इसको भी हमने छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। अरारोट करीब 2 चम्मच, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लेंगे, प्याज एक काटा हुआ है, ये भी छोटे डाइस में काटा हुआ है। और गाजर भी हमने एक पीस लिया हुआ, उसको भी छोटे टुकड़े में काट लिया है हमने। और हरी मिर्च आप जैसे तीखा खाना पसंद करें आप उतना काटेंगे, हमने इसमें 2 से 3 मिर्च काटी हुई है। लहसुन है करीब 5 से 6 कलियाँ, इसको भी महीन महीन चॉप कर लिया है। सिरका है हमारा वाइट विनेगर करीब 1.5 चम्मच। हमारा टमाटो सॉस है 3 से 4 चम्मच। और हमारा सोया सॉस भी 1 चम्मच। और हमारा रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हम सोयाबीन में हल्का सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। सबसे पहले हम सोयाबीन को इसमें पानी बिल्कुल निकाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच अरारोट डाल देंगे यानी कॉर्नफ्लोर। और इसमें आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हम अंडा इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। करीब हमने 1 चम्मच इसमें यह डाला हुआ है। और नमक भी हम थोड़ा सा हल्का डालेंगे, हमने बहुत थोड़ा सा नमक लिया हुआ है इसमें। और सोया सॉस, इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। हम एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें हमने 2 से 3 चम्मच हमने ऑयल डाला हुआ है। अब ये गरम हो गया, इसमें हमने इसमें सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर डाल के इसको हमने मिक्स कर लिया और नमक भी डाल दिया ज़रा सा। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अब इसमें हम पनीर भी ऐड कर देंगे और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस को एक से दो मिनट बस भूनना है और इसको हमें निकाल लेना है। अब हम एक पैन में लेके 2 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। बस को हल्का सा हमें करके इसमें हम प्याज डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, बस को हल्का सा हमें तेज आँच पर बराबर से चलाते हुए इसको हमें, अब इसमें गाजर डाल देंगे। जब तक गाजर हो रहा है, जब तक हम इस अरारोट में करीब थोड़ा सा पानी मिला के इसको हम घोल लेंगे। अब इसमें हम कटे हुए शिमला मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हमने करीब 1 चम्मच नमक लिया था, आधा चम्मच हमने उसमें फ्राई करते समय और आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया। और इसमें
सोया सॉस डाल देंगे और आधा सोया सॉस हम जो भून रहे हैं हम अरारोट का उसमें डाल देंगे और इसमें वाइट विनेगर और इसमें हम टमाटो सॉस डाल देंगे और इसमें इसको हम डाल देंगे और इसको हम मिला देंगे और इसको हमें बिल्कुल तेज आँच पे फटाफट इसको चलाते हुए भूनना है। अब हम जो अरारोट का पानी मैंने बोला था उसमें हमने सोया सॉस भी थोड़ा डाल दिया था। अब इसको हम बनकर तैयार है हमारा सोया मसाला। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और हमारा सोया चिली मसाला तैयार है। अब इसको हम निकाल देंगे लीजिए तैयार है हमारा सोया चिली मसाला। आप इसे बनाएं खिलाएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।